नहीं, मैं केवल मात्र एक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक संत हूँ। मैं मेरे कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करने के लिए हूँ। चाहना मेरी कुछ भी नहीं, न पद की है न और किसी चीज़ की। चाहना एक ही है कि सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी ने जनता के विश्वास पर मुझे पुनः एक बार मौका दिया है। मुझे जनता पर विश्वास है कि मुझे जनता विश्वास है कि वो मौका देगी सेवा करने का, क्योंकि ये कर्मयोग है और कर्मयोग बहुत कठिन है। ये कृष्ण भगवान ने कहा, कर्मयोगी बन करके नर सेवा नारायण सेवा करो, आपका जीवन का कल्याण हो जाए। पार्टी नगर का मुख्यमंत्री बनके नारायण सेवा करो तो नहीं, मैं इस विषय पर सोचता ही भी नहीं हूँ, ना कल्पना करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, सबसे छोटी सेवा जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ सेवा होती है। सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो सबसे छोटी सेवा होती है, और मैं तो वो करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिले, मैं अंतिम कड़ी पर खड़ा होकर के, अंतिम पायदान पर खड़ा होकर के, सबके साथ खड़ा होकर के काम करने का प्रेरणा की जनता। मैं ये प्रेरणा करता हूँ कि हम तो संत के भाव से प्रेरित करते हैं, ऐसे योग्य व्यक्ति तैयार हो तो तैयार होकर के और आगे बढ़े। कोंकण की जनता इस बार विजय सिंह दिलवा रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है। कोंकण की जनता पर पूर्ण विश्वास है, कोंकण की जनता और राजस्थान की जनता पर पूर्ण विश्वास है। इस बार कमल खिलेगा, सर देखते हैं। पिछली बार समय कम मिला था और मेरा क्षेत्र भी नहीं था राजनीति, क्योंकि उसके बाद में मैं लगातार 5 वर्षों तक जनता के बीच में हूँ, और जो पिछली हार थी वो लोगों को बहुत एक प्रेरणा भी देके गई है। इसलिए इस बार तो एक ही तरफ चल रहा है लहर, कि बस कमल खिलेगा। तो क्या क्या रीज़न रहेगा इस बार के? हाँ, मामला चुनाव समीकरण जो है, उम्मीदवार जो है, सैम के सैम वापस रिपीट है। हाँ, उम्मीदवारों को नहीं देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा देख रहे हैं राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में जो भिन्नता दिख रही है जनता को, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। हम किसी व्यक्ति को मजबूत करने के लिए नहीं सोचते, हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सोचते हैं। हम छोटी मोटी योजना ला करके किसी व्यक्ति को लाभ देना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप स्वतः हो जाएगा। हम राष्ट्र किस प्रकार मजबूत, और ऐसी कौन सी योजना जो राष्ट्र मजबूत हो, तो सब जानते हैं। 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल के अंदर देश कितना मजबूत हुआ और कहाँ पहुँचा है। इसे एक ही खुमारी है, मोदी मोदी मोदी, इसलिए कोई चेहरा भी नहीं है, चेहरा केवल मोदी और कमल है, और वही हृदय में बैठ चुका है। रही बात मेरी व्यक्तिशा कि मैंने मेरा जो वहाँ क्रम किया है, मेरे कर्तव्य का पालन जितना भी कर पाया हूँ, तो जनता के अंदर वो भी भाव है कि महाराज जी को इस बार हम जरूर समर्थन देंगे। साथ ही सीहू और कोंकण की अगर बात करें, तो वहाँ पे अगर कट्टर हिंदुत्व की अगर बात करी जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। पिछली बार भी योगी जी का जो दौरा था, या उससे पहले की बात करें जब नरेंद्र मोदी का दौरा था, तो हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। देखिए, हमारे वाद एक ही वाद है, कट्टरवाद या जातिवाद, उसकी बात ही नहीं है। हमारे वास्तव में हमारे चिंतन में, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी, हम सबके अंतर मन से एक बीज है, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जिसके अंतर मन से, वो हमारे साथ है और वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो आपका दिल्ली और जयपुर दौरे हुए हैं इससे पहले, ठीक है, क्या लगता है नेतृत्व के बिना सिर्फ कमल के निशान पे लड़ना, ये फायदा? बहुत बड़ा नेतृत्व है भाई, मोदी जी जैसा नेतृत्व कहाँ मिलता है। कमल जो है वो किस प्रकार खेल रहा है, पूरे प्रदेशों में किस प्रकार खेल रहा है, देश में किस प्रकार खेल रहा है, 2-3 सांसदों से किस प्रकार खेला है, तो इससे बड़ा क्या नेतृत्व चाहिए। प्रियंका गांधी ने यही कहा कि साहब मोदी जी ने खुद को चेहरा बनाया, तो मुख्यमंत्री वो थोड़ी बनेगा राजस्थान। मोदी जी चेहरा मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है, मोदी जी हमारे लिए आदर्श है। जिस प्रकार वो कर रहे हैं, इस प्रकार हम उनके पीछे अनुसरण करें। योगी जी हमारे लिए आदर्श है, मोदी जी हमारे जीवन का आदर्श बन गए, कि देश को कोई आदर्श नेता मिला है जिसके अंदर कोई प्रकार का कोई वाद नहीं, जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, वंशवाद नहीं, एक ही वाद है, वो राष्ट्रवाद है। आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं? नहीं, मैं केवल मात्र एक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक संत हूँ। मैं मेरे कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करने के लिए हूँ। चाहना मेरी कुछ भी नहीं, न पद की है न और किसी चीज़ की। चाहना एक ही है कि सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी ने जनता के विश्वास पर मुझे पुनः एक बार मौका दिया है। मुझे जनता पर विश्वास है कि मुझे जनता विश्वास है कि वो मौका देगी सेवा करने का, क्योंकि ये कर्मयोग है और कर्मयोग बहुत कठिन है। ये कृष्ण भगवान ने कहा, कर्मयोगी बन करके नर सेवा नारायण सेवा करो, आपका जीवन का कल्याण हो जाए। पार्टी नगर का मुख्यमंत्री बनके नारायण सेवा करो तो नहीं, मैं इस विषय पर सोचता ही भी नहीं हूँ, ना कल्पना करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, सबसे छोटी सेवा जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ सेवा होती है। सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो सबसे छोटी सेवा होती है, और मैं तो वो करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिले, मैं अंतिम कड़ी पर खड़ा होकर के, अंतिम पायदान पर खड़ा होकर के, सबके साथ खड़ा होकर के काम करने का प्रेरणा। कोंकण की जनता इस बार मैं ये प्रेरणा करता हूँ
कि हम तो संत के भाव से प्रेरित करते हैं, ऐसे योग्य व्यक्ति तैयार हो तो तैयार होकर के और आगे बढ़े। भोकण की जनता इस बार विजय सिंह दिलवा रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है, भोकण की जनता पर पूर्ण विश्वास है, भोकण की जनता और राजस्थान की जनता पर पूर्ण विश्वास है, इस बार कमल खिलेगा। थैंक यू।